श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। लोना चमारी की साधना, लोना चमारी, लोना चमारिन, इनकी मैं अगली साधना दे रहा हूँ। पिछले सप्ताह एक साधना दी थी आप लोगों को, ये सम्मोहन की साधना है। इसमें अगर एक पुष्प को आप अभिमंत्रित कर देंगे, वो पुष्प जिसको भी दे देंगे वो आपसे सम्मोहित रहेगा। इसका विधान बताने से पहले आप लोग इस मंत्र को लिख लीजिए, काफ़ी लंबा मंत्र है। देखो, लोना चमारिन, लोना चमारी की जो भी आप साधना करोगे उसमें ये पहला लाइन जो होता है वो कॉमन होता है। क्या होता है? कामरू देश कामाख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी लोना चमारिन के, लोना चमारी के गुरु थे। कामरू देश कामाख्या देवी जहाँ बसें इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी ने बोई बाड़ी। बाड़ी का मतलब, ऐसे तो लोग गाड़ी बाड़ी सोचते हैं, गाड़ी और घर को, लेकिन बाड़ी का मतलब फुलवारी भी होता है। कामरू देश कामाख्या देवी जहाँ बसें इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी ने बोई बाड़ी, फूल उतारे लोना चमारी। ठीक है, इसके अगला लाइन है, एक फूल हंसें दूजा विझें, तीजो फूल में छोटा बड़ा नाहर सिंह बसे, जो सूंघे इस वास वो आवे, हमारे पास और के पास जाए, हियो फाटी मरी जाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो ये है मंत्र। एक बार पूरा एक साथ पढ़ दे रहा हूँ मैं। कामरू देश कामाख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी ने बोई बाड़ी, फूल उतारे लोना चमारी, एक फूल हंसें दूजा विसें, तीजा फूल में छोटा बड़ा नाहर सिंह बसे, जो सूंघे इस वास वो आवे, हमारे पास और के पास जाए, हियो फाटी मरी जाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। ईश्वर वाचा भी बोलते हैं, ईश्वर वाचा भी बोलते हैं। इस साधना को पूर्णिमा, जो कि रविवार को पड़े, उस दिन किया जाता है। इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी आप लोगों को? इसमें जो पान में डालने वाला सामग्री होता है, मतलब पान, सुपारी और लौंग, इन तीन चीज़ों को सामने आपको रखना है। और उसके बाद रखना है आपको थोड़ी सी मिठाई। वस्त्र जो होते हैं वो सिले हुए नहीं होने चाहिए। इस साधना में ब्रह्मचर्य का पालन होगा, सात्विक भोजन करना है। 21 दिन तक ये पूरा विधान चलेगा। इसमें जाप नहीं होता है। जिस भी फूल से सुगंधित होना चाहिए, जिससे आप आगे चल के सम्मोहित लोगों को करना चाहते हैं, उस फूल को रोज़ आपको 108 लाना है। इस मंत्र को पढ़ के और सुगंधित फूल को घी में डुबा करके आपको हवन करना है 108 बार। ऐसा आपको 21 दिन तक करना है। 21 दिन करने पे ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। एक बार सिद्ध हो जाता है मंत्र, तो किसी को भी उस पुष्प को अगर आप 7 बार मंत्र पढ़ के फूंक के देंगे तो वो आपसे सम्मोहित होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि सम्मोहित होगा मतलब हिप्नोटाइज हो जाएगा, जो बोलूँगा वही करेगा, ऐसा नहीं होता है। बस आपसे वो हमेशा अच्छे संपर्क बना कर रखेगा इस साधना के माध्यम से। मंत्र को ठीक से पढ़िएगा, लंबा मंत्र है। और जब साधना करिएगा तो ध्यान रखिएगा। ध्यान इधर उधर या जिस पे सम्मोहन करना है उसके विषय में मत सोचिएगा, वरना ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा। कोशिश करिएगा कि शुरुआत में थोड़ा ध्यान करके आप इस साधना को करें। थोड़ा सा भी ध्यान उधर उधर भटकेगा तो आप चाहे उसमें 1008 बार आहुति दे देंगे तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। इसीलिए ध्यान से 108 आहुति 21 दिनों तक, 22वें दिन से आप प्रयोग चालू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का बेसिक सीखना है, जैसे बंधन आसन मंत्र, वो सब सीखना है तो वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। जिसको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो मेरे वेबसाइट पे जाए www.aghortantra.xyz। इसके अलावा आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप से बात कर सकते हैं, उसमें मेरा प्रोफाइल है rudranath@cm4। आज के लिए इतना ही। लोना चमारी गुरु रूप में आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान दे, ऐसे ही मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।